तो और के गलार में क्या चल रहा है? तो यार आजकल ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आता कि लोगों को फिक्स फिक्स चीज देखना पसंद क्यों आता है। नहीं मतलब चाहे वो बिग बॉस हो या फिल्म फेयर अवार्ड्स, लोग उसमें इतना भैया इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? अब ये सुनने के बाद तुम लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई इंडियन अवार्ड शो जो है ना भाई वो फिक्स नहीं होते। तो भाई मैं कुछ नहीं हूँ भाई बोलने वाला, ये खुद सलमान खान, कंगना रनौत और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बोल रखा है। तुम लोग यूट्यूब में उनकी वीडियो देख सकते हो। अब इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड था ना गाइस, वो बड़ा ओपिता नहीं, मतलब इस बार 13 यानी 13 अवार्ड्स मिले हैं गली बॉय मूवी को। हो 13 अवार्ड्स, और जिसका मेन रीजन देखना किस मेन रीजन से इसको अवार्ड मिले ये मूवी को जरा देखना। अपना टाइम आएगा, एक लाइक कर देगा तो तेरे बाप का क्या आ जाएगा। तू लाइक कर, तू शेयर कर, कमेंट कर, फॉलो कर। अपना टाइम आएगा, एक लाइक कर देगा तो तेरे बाप का क्या आ जाएगा। आ गया भाई आ गया, आपका टाइम आ गया। आपकी फेवरेट मूवी को 13 अवार्ड मिले, 13 अवार्ड मिले, और क्या चाहिए। और नहीं यार मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आता कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ना वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं। मतलब मैं मानता हूँ गली बॉय बहुत अच्छी मूवी है, पर भैया 13 के 13 अवार्ड उस मूवी को भाई। अरे इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना बेस्ट एक्टर का, वो मिले रणवीर सिंह को। अबे रणवीर सिंह बहुत अच्छे एक्टर है भाई, मैं अपने दिल से मानता हूँ, और भैया वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट भी है। पर भैया जो भी ये अवार्ड दिए ना, मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने सुपर 30 में ऋतिक रोशन की एक्टिंग देखी थी क्या? आपने कबीर सिंह में शाहिद कपूर की एक्टिंग देखी थी? अरे इस बार का जो लिरिक्स बेस्ट लिरिक्स का जो अवार्ड था ना फिल्म फेयर का भाई, वो भी कतई ओपिता नहीं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने भैया नॉमिनेशन में थे, जैसे तुझे कितना चाहने लगे हम, बेख्याली, वे माही, तेरी मिट्टी जैसा भाई एपिक लेजेंडरी गाना, जिसको सुन के हर बार आप सुनोगे ना तो भाई आपको गूज़बम्प्स मिलेंगे, आप इमोशनल हो जाओगे। पर भैया अवार्ड किसको मिला? अपना टाइम आएगा, एक लाइक कर देगा तो तेरे बाप का क्या आ जाएगा। तू लाइक कर, तू शेयर कर, कमेंट कर, फॉलो कर। अपना टाइम आएगा, एक लाइक कर देगा तो तेरे बाप का क्या आ जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इन चचा के फेवरेट गाना यानी अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था क्या, घंटा लेके जाएगा जैसे लिरिक्स वाले गाने को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला। और जहां भाई तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे गाने को भाई अवार्ड तक नहीं दिया गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अबे इस बार का जो फिल्म फेयर है ना भाई, एक के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा था, और वो है हमारी स्ट्रगलर, हमारी अनन्या पांडे दीदी, जिनको भैया बेस्ट डेब्यूट फीमेल का अवार्ड मिला गया है। वो भी कौन से मूवी के लिए? 2010 ऑफ द ईयर 2, जिसमें भैया लोग भैया बाथरूम में जाके अपना सर पीट रहे थे कि भाई मैं मूवी देखने क्यों आ गया, उससे अच्छा तो मैं घर बैठ के पबजी खेल लेता। नहीं यार सही है, नहीं मतलब इतना प्यारा स्ट्रगल करके अगर आपको फिल्म फेयर का अवार्ड मिल सकता है तो मैडम थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो, क्या पता कल को आपको ऑस्कर मिल जाए। और तो अरे इस बार का बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड मिला है ना फिल्म फेयर का, वो मिला है हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट आलिया भट्ट दीदी को, वो भी गली बॉय मूवी के लिए। नहीं मतलब हो सकता है ना यार, क्योंकि उनका जो एक डायलॉग था ना वो बड़ा वायरल हुआ था टिकटॉक में, वो जो हर तीसरी चौथी लड़की कर रही थी, कौन सा था भाई? मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भुगतूंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी फिर से नहीं होएगा ऐसा। खा मेरी कसम, मर जाएगा तू। बस 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 बस, यही तो एक मेन रीजन हो सकता है यार जिसके कारण हमारी दीदी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, क्योंकि मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में जो भैया एक्टिंग किया कंगना रनौत ने भाई, वो तो कुछ भी नहीं है। और मर्दानगी 2 में जो भैया रानी मुखर्जी ने खाटी एक्टिंग किया भाई, वो क्या चीज है, वो तो कुछ भी नहीं है भाई, वो भी कुछ नहीं है, असली एक्टिंग तो यही चाहे। गुलू करेगी तो भोगेंगी ना उसको। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सही, शानदार। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो यार आप लोग ने अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स देखे हैं तो भैया बताओ आपके हिसाब से किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और किसको बेस्ट फिल्म और बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिलना चाहिए था, कमेंट में लिखो। और चैनल पे नया आया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और बाजू में जो घंटा है उसको भी जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ये है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।